राम चंद्र की जय। गोसाई घर में जो है प्रणाम करेगा और उसके बाद जो है सभी बड़ों का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो हम जिया और क्रियांश तीनों अभी चल रहे हैं बाहर। जिया जो है माँ से ले लिया आशीर्वाद, क्योंकि अब जिया का जो है फाइनल ईयर एग्जाम है। दो साल तो निकल गया, बस अब बचा है आखिरी साल। और यहाँ भाई साहब चल रहे हैं आप, उधर नवनीत आ चुका है और इधर जो है बेहतरीन गीत सब चल ही रहा है, जो हमारा क्षेत्रीय गीत है, तो अभी आपको सुनवाते हैं। लड़की पक्ष से तो सभी ने चुमा लिया जी, अब बारी है लड़के पक्ष से सभी के चुमाने की। टीका लगाए। तिलक का तो कार्यक्रम फाइनली हो गया जी समाप्त। और अब कहाँ घर? भोजन चलो भोजन क्या आशीर्वाद ले लीजिए पूजा करने के बाद। ठीक है चलो। चल रहे थी सभी पूजा घर, वहाँ पर नवनीत पहले जो है अपने गोसाई घर में जो है प्रणाम करेगा और उसके बाद जो है सभी बड़ों का आशीर्वाद दिया जाएगा। ऐसा उत्पाद सब ये देखिए बच्चे सब, ये देखिए क्या
क्या चल रहा है? खेल चल रहा है ये? वाह गजब खेले तुम लोग। तिलक का तो समारोह हो गया जी, और उसके बाद जो है अब बारी है विदाई की, तो सभी लोग हो चुके हैं तैयार। यहाँ से जो है कुछ ही देर में निकलेंगे। चल ना के लिए लेकिन भर का नहीं है। देवरानी को विदा कीजिए, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। ये लोग घर से आए हुए हैं, ये लोग सिसवा जाएंगे, ये लोग अपनी गाड़ी से सिसवा तक जाएंगे, हम लोग कटिहार जाएंगे। पहले अपने देवर और देवरानी को हम विदा कर देते हैं, फिर पीछे देवरानियों कह दलिया यार जो पर्स भरिएगा तो कहने चाहिए। वाह अपना जुगाड़ नहीं भूलती है। हरदम डिमांड का भी इनका पूरा ही नहीं होता, लगा रहता है, लगा रहता है। देवर देवरानी के साथ आए, उनको यहाँ का जिम्मेदारी हम लोग समर्पित कर रहे हैं। एक महीना का दरमा, एक महीना का गरीब हो तो वहाँ से निकल के जी हम लोग आ गए हैं अपने घर। लगभग 3 घंटे का सफर था और आराम से कट गया। और जैसे ही आए इधर देखिए क्रियांश को, तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्या कैसा लगा सरप्राइज? सोया हुआ था जैसे देखा दादी और पापा। कैसा लगा सरप्राइज क्रियांश? अच्छा लगा? कैसा लगा? तो हम जिया और क्रियांश तीनों अभी चल रहे हैं बाहर, और हम लोग चल रहे हैं जी क्रियांश के नानी घर, क्योंकि जिया का जो है फाइनल ईयर का एग्जाम आ गया है। क्रियांश भी साथ में चल रहा है। जिया जो है माँ से ले लिया आशीर्वाद, क्योंकि अब जिया का जो है फाइनल ईयर एग्जाम है। 2 साल तो निकल गया, बस अब बचा है आखिरी साल, ये भी निकल जाएगा। हाँ वो भी आना चाह रहा है दादी के पास, ये देख सकते हैं कैसे लटका हुआ है। चल। लेकिन आजकल इसको ने थोड़ा दिक्कत होने लग गया है, अपना घर छोड़ करके कहीं जाता है, बच्चा बुद्धि हो गया है, रोने लगता है। जब भी बुद्धि होगा बच्चा को तो अपनों को पहचानेगा। हमारी बेटी गुड़िया हो। तो जिया का बाकी सब जो एग्जाम है इसको रहना वहीं पर है, ये कैसे रहेगा वही भगवान जाने। सब मैनेज हो जाता है, समय सबको करा देता है सब कुछ। चलिए यात्रा मंगल में है, संसार दला जिम्मेदारी पूर्वक प्रभु कर निर्वहन करबे साथ में सबके लिए मांगे छी, हमरो राखब वही साथ। ठीक है चलो तब चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आपको सब कुशल पहुंचा दे, और उनकी दया होगी तो पहुंचोगे। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और मेरा बेटा एकदम आराम से सोया हुआ है। मकनपुर के आसपास होंगे सर। मकनपुर भी नहीं सर, कुरसेला है सर। कुरसेला है। तो हम लोग पहुंच गए फाइनली जिया के कॉलेज, और जिया जो है अपना जा रही है एडमिट कार्ड लेकर के साइन करवाने। व्यास तब तक अपना हैंडल पकड़ के खड़ा है, सोच रहा है कि गाड़ी चलाएंगे। एकदम हाथ जमा रहा है मेरा बेटा, नेक्स्ट टाइम आपको लेके आएगा, ये मेरा फोन दे दीजिए। मेरा फोन दे देते, पॉकेट में होगा मेरे। तो उधर जिया चली गई है और इधर क्रियांश को जो है हम थोड़ा संभालते हैं। क्रियांश क्या चल रहा है? ये घुमा रहा है इस हैंडल को क्रियांश बार बार। मजा आ रहा है घुमाने में, मजा आ रहा है। तो जिया का काम लगता है वहाँ पर हो गया है, तो जिया यहाँ पर आ रही है। हो गया काम? चलो बढ़िया है, अभी तो तवाही नहीं मचाया है क्रियांश, लेकिन अब लग रहा है कुछ देर में मचा देता है। The next day. तो जिया के एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए हैं, जिया अपना जा रही है वहाँ एग्जाम देने, और क्रियांश भी यहाँ पर सो चुका है। 3 hours later. तो जिया आ गए एग्जाम दे करके, बाबा यहाँ परेशान थे कि कब पहुँचेगी। जिया का हो गया एग्जाम, आ गई सेंटर से और अपनी पेट पूजा कर ली है। उसके बाद जो है हम लोग चल रहे हैं गंगा नदी के किनारे। जबरदस्ती लाया गया है, ये भी जबरदस्ती नहीं लाया गया है। आपको आने का मन था तो चलो। वहाँ पर जाते हैं जी, वहाँ का नजारा काफी अच्छा लगता है हमें।
तो इस बार जो है आपको नज़ारा जो है कुछ और अच्छे तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि पास में है ड्रोन, है ना, वही उड़ाने जा ही रहे हैं, मौका मिला दिया कि ड्रोन उड़ाने का। अब हम लोग जो है फाइनली चल रहे हैं घर, और यहाँ जो ड्रोन का लैंडिंग पैड है इसको फोल्ड करने में जो समय लगा है पूछिए मत, क्योंकि हम जो है भूल गए थे कि इसको कैसे फोल्ड किया जाता है। और इसको जो है हम बस दो बार खोले हुए हैं, और दोनों बार जो है बस नहीं कहते लक बाय चांस सही से फोल्ड हो गया, और आज जो है वह लक काम नहीं किया, तो फाइनली जो है हमको यूट्यूब देखना पड़ा, और यूट्यूब देख करके जो है फिर हम इसको फोल्ड किए हैं। तो हम लोग आ चुके हैं घर, और यहाँ क्रियांश को देख सकते, क्रियांश घूम रहा है, मारेगा हमको, मारेगा तुझे, और पीछे का नजारा देख सकते हैं, पीछे इतना सुंदर ड्रोन उड़ाएगा, ड्रोन प्यास, ड्रोन ड्रोन उड़ाएगा, उधर मछली मारा जा रहा है, इधर इधर देख सकते कितना बड़ा मछली है, ये देख ये देखो क्रियांश मच्छी है, क्रियांश मच्छी, उधर देख सकते हैं दीदी अभी आ रहे हैं, ड्रोन लेके आए शायद, क्रियांश पापा ड्रोन लेके आए, देखो देखो पापा क्या लेके आए, उधर देखो ना क्रियांश, उधर ड्रोन देखो ना, ये उधर बाबा बैठे हुए हैं, उधर देख सकते हैं मछली है, देखेगा बहुत बड़ी बड़ी मछली है, इतना बड़ा लेगा मछली, मम्मी उधर खड़ी करी, हम जाए छियो लैंडिंग पैड भी लेके आए क्या, मम्मी कह रही थी मछली ले ले, A few moments later. तो ये रहा हमारा ड्रोन, और क्रियांश पूरा खुश है, ड्रोन देख, ये क्रियांश पकड़ेगा, गया बाय बाय, ये देखो आ रहा है अपने पास आ रहा है। फोन लेकर के यूज कर रहा हूँ, और सभी हम लोग यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहे हैं, मजा आ रहा है क्योंकि पीछे पानी है और यहाँ स्पेस है।